अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई रियली होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर सिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के फर्स्ट पोर्शन में हमेशा की तरह हम एम सी क्यूज फिलिंग द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड जी डियर स्टूडेंट्स सो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का पोर्शन चैप्टर नंबर सिक्स की एक्सरसाइज करनी है आज हमने एक्सरसाइज so, में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक ट्रू एंड एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे so, समझाई है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनेट होती है स ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज ड्यू टू अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक एम एन ओ फोर माइनस वन आइन हैज डैश कलर एंड सी आर टू ओ सेवन माइनस टू हैज डैश कलर स्टूडेंट्स एम एन ओ फोर माइनस वन का पर्पल कलर होता है सो इसका पर्पल कलर और इसी तरह से सीआर टू ओ सेवन माइनस टू का स्टूडेंट्स ऑरेंज रेड कलर होता है ऑरेंज रेड कलर यहां जगह कम है मैं इसको सेपरेट मेंशन कर रहा ऑरेंज रेड कलर जी स्टूडेंट थर्ड फिलिंग द ब्लैंक की तरफ चलते हैं व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एसिड डैश इज प्रोड्यूस तो स्टूडेंट्स डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन के टू सी आर टू ओ सेवन अब यहाँ जगह कम है हम यहां पे दोबारा लिख देते हैं के टू सी आर टू ओ सेवन स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक की तरफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन डैश एंड डैश ब्लॉक ओब्वियसली एस एंड पी ब्लॉक के दरमियान में ही ये रिजाइड करते हैं एस एंड पी ब्लॉक स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन के फोर एफ ई सी एन सिक्स इज डैश वाइल के थ्री एफ ई सी एन सिक्स इज़ डैश स्टूडेंट्स मैंने आपको डिटेल्स से ऑक्सरेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली सो यहाँ पर आयरन पर अगर आप देखें तो इस पूरी कोर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर माइनस फोर चार्ज है माइनस फोर का मतलब ये है कि साइनाइट पर माइनस सिक्स है माइनस वन होता है सो माइनस सिक्स में से माइनस फोर बचा है -6 में प्लस टू हुआ है तो तभी माइनस फोर बचा ना यहाँ पे अब मुझे कैसे पता आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया है सो so, एक का मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे और दूसरे का खुद कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स लेट से पोटेशियम पे क्या चार्ज है प्लस फोर और इसी तरह से पोटेशियम पे प्लस फोर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे मुझे पता है आप भी जानते हैं क्या चार्ज है माइनस फोर सो इसके अंदर जो साइन एड है उस पर क्या चार्ज है माइनस सिक्स तो ऐसा क्या है कि माइनस सिक्स में क्या ऐड करें तो माइनस फोर आए तभी तो माइनस फोर को कैंसिल करने के लिए प्लस फोर लगा हुआ है ना यहाँ पे सो so, प्लस टू तो राइट आंसर इज प्लस टू स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट right आंसर आएगा प्लस थ्री द प्रेजेंस ऑफ डैश इन मेटल प्रमोट क्रोरियन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज जो हैं वो क्रोयियन को प्रमोट करती हैं जी स्टूडेंट सेवेंथ फिलिंग द ब्लैंक इफ कॉपर इन कॉन्टेक्ट विद एलोमिनियम डैश गेट करोड डेफिनेटली एलोमिनियम जो है वो करोड़ होगी ये लास्ट लेक्चर में आपको क्रोरियन वाला जो टॉपिक था उसमें डिटेल से बताया था स्टूडेंट्स एट्थ फिलिंग द ब्लैंक है कॉम्प्लेक्सिस हैविंग एस पी थ्री डी टू हैव डैश शेप ऑक्टाहेड्रल शेप राइट आंसर इज ऑक्टाहेड्रल शेप स्टूडेंट्स इस तरह मूव करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्सेस ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर अल्फाबेटिक ऑर्डर जी एल्फाबेटिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखते हैं ना मतलब जो लिगेंड पहले आएगा मसलन सियानो है सियानो के साथ अगर नाइट्रो है तो सी पहले लिखेंगे नाइट्रो बाद में लिखेंगे ये आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में बात समझाई है जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Cr O4-2 NCr2O7-2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम जी स्टूडेंट्स तो फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जी स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स को शुरू करते हैं फर्स्ट द सब्सटेंस दब इज अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कल्ड पैरा मैग्नेटिक लिखा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है फॉल्स डिटेल आपको चैप्टर में में बताई थी एंड अ कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड बिल्कुल ट्रू है डी टू डी ट्रांजिशन होती है जिससे कलर्ड शो करते हैं जी स्टूडेंट्स एफ ई प्लस थ्री आइन आर ब्लू वेन हाइड्रेटेड एफ ई प्लस थ्री आइन जो है वो ब्लू है तो वो हाइड्रेट होता है आ, ये बिल्कुल गलत बात है एफ ई आइन जो है उसका कलर मैंने मैंशन किया है एफ ई प्लस थ्री आइन का जो ब्लू कलर है वो ब्लू नहीं होता है. वो ग्रीन कलर होता है सो so, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ग्रीन कलर होता है ब्लू नहीं होता एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कॉल कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म बिल्कुल डायमैग्नेटिज्म तो है ही एक अलग चीज़ पैरामैग्नेटिज्म की वो अपोजिट है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है जी फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं टिन प्लेटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन शीट फ्रॉम क्रोइन तो बिल्कुल ये जो टिन प्लेटिंग है इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन शीट फ्रॉम क्रोयन बिल्कुल ठीक है ट्रू बात है ये सही बात है ये ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है ये जी इन गैलवलाइजिंग जिंक प्रोटेक्ट क्रोइन ऑफ आयरन बिल्कुल ट्रू है सेक्रीफेशियल क्रोयन का नाम भी इसको दिया गया था रैपिड रोसेस शुरू होता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गिल सेल द नेम ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स इज एंड ऑफ सुफिक्स ओ बिल्कुल ट्रू है जैसे सियानो नाइट्रो क्लोरो बिल्कुल ट्रू बात है ये आयरन कॉन्टेन ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील ट्रू जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बिल्कुल यह टेट्राइड्रल जोमेट्री नहीं होती फॉल्स स्टेटमेंट है डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन फॉल्स स्टेटमेंट है यह फॉल्स जो टेट्राहेड्रल है वो एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन की होती है और जो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक में थोड़ा सा देखें तो जो हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू की ज्योमेट्री आपकी बुक में मेंशन की गई है वो स्क्वायर प्लेनर है सो so अगर यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होता स्क्वायर प्लेनर सो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन सर्कल द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग

सो so, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक द राइट आंसर इज जिंक नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन है जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है स्टूडेंट्स स्कैंडियम यट्रियम जो है ये तो ऑलरेडी uh, आप लोगों ने पढ़ा है आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके पास रेडियम है ये तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बट ये जो कोबाल्ट है ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है तो राइट आंसर इज कोबाल्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं सो नॉन टिपिकल आउटर तो हम उनको कहते हैं डी ब्लॉक को नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स या नन ऑफ नन इज ट्रू तो राइट right, इसका आंसर जो है ना तीनों स्टेटमेंट्स वो नन इज ट्रू है ज़्यादा बेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी

6b का अगर आपको नेम उसका एलिमेंट्स याद हैं तो उसमें क्रोमियम है मोलबिडनम है और टंगस्टन है टंगस्टन w टंगस्टन सो क्रोमियम मोलबिडनम एंड टंगस्टन द राइट आंसर इज सी जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फार्मूला ऑफ टेट्रा इमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम सल्फेट इज अ प्लैटिनम इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड क्लोरीन एंड n2 nh2 nh3 आर लिगेंड्स तो स्टूडेंट्स अब इनमें से सबसे पहले हमें देखना है कि प्लाटिनम सेंट्रल मेटल आइटम किसके अंदर है आ, अगर आप देखो तो टेट्रा इमाइन चार इमाइन होंगे चार इमाइन ये रहे चार इमाइन और अगर आप देखो चार इमाइन के अलावा क्लोरो क्लोरो भी है इसमें नाइट्रो यानी एक क्लोरो होगा और एक नाइट्रो होगा एक क्लोरो एक नाइट्रो चार इमाइन और प्लाटिनम और साथ में सल्फेट जी स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर बनता है ना वो अगर आप देखें तो वो बनता है पी टी सी एल एन ओ टू एन एच फोर ओ फोर यानी कि पी टी सी एल एन ओ टू एन एच थ्री फोर एस ओ अच्छा अब ये क्यों हमने इसको डी यानी कि अगर आप देखो तो डेल्टा भी ठीक लग रहा है लेकिन हमने इसको चार्ली को ही क्यों ठीक बोला इमाइन क्लोरो प्लाटिनम जी फोलविंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टेट्रा क्लोरो नाइट्रो क्लोरोनम सल्फेट स्टूडेंट्स इनमें से कौन है जो राइट आंसर बनेगा इसका तो अगर आप देखो तो टेट्रा इमाइन चार इमाइन है इसके अंदर क्लोरो भी है नाइट्रो भी है इसके अंदर और प्लाटिनम सेंट्रल मेटल आइटम है और एस सल्फेट तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है सी यानी चार्ली जी स्टूडेंट अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं सेवेंथ एमसीक्यू परसेंटेज ऑफ कार्बन इज डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन प्रोडक्ट इन द ऑर्डर ओ अब ये ऑर्डर आपको पता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसके अंदर होती है सो so, स्टूडेंट्स इसका राइट right आंसर है कॉस्ट आयरन फिर स्टील एंड रॉट आयरन अगर आप इसका देखें तो कॉस्ट आयरन स्टील एंड रॉट आयरन कॉस्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है रॉट आयरन में सबसे कम है और स्टील में इंटरमीडिएट है तो राइट आंसर इज सी ये आप लोगों को आयरन मेटलर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाया था द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में जो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स क्यों होते हैं तो उसकी रीजन एक ही है स्टूडेंट्स डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है स्प्लिटिंग होती है लिगेंड्स के आने से डी ऑर्बिटल्स की जिनके बाद उनमें ट्रांजिशन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं in, uh, is, अब, चार तो छो लिगेंड्स अटैच हैं सो तो प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सिक्स होगा तो राइट आंसर इज सिक्स जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ द टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन एलिमेंट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स इन बोथ डी एंड एफ़ ब्लॉक एलिमेंट अगर दोनों को टोटल किया जाए तो स्टूडेंट्स टोटल ये फिफ्टी एट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं अगर आप डी और एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स को काउंट करते हो सो आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आज के सेशन में हमने एम सी क्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फ़ॉल्स स्टेटमेंट्स को अच्छे से देख लिया है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी रिव्यू करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें टेक केयर अल्लाह हाफिज़